नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और हमें क्या करें जिससे हमारा कंप्यूटर ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में सीख रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर ऑन ना जब ऑन नहीं हो रहा है, आप ऑन करते हैं उसमें कोई भी लाइट नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने ये करना है, जो आप ये देख रहे हैं ये इसकी है पावर केबल जो कंप्यूटर के पीछे लगी होती है। अगर सबसे पहले तो आपने पावर केबल को चेक करना है कि पावर केबल में पावर आ रही है या नहीं आ रही। कंप्यूटर के साथ दो पावर केबल होती है, एक तो मॉनिटर की होती है, साथ में दूसरी जो होती है कंप्यूटर की होती है। अपने मॉनिटर में पहले डिस्प्ले चेक करना है लाइट आती है। मैं भी बताता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं ये लाइट आ रही है, तो इसका अर्थ है कि ये मॉनिटर की ये जो हमारी पावर केबल है ये ठीक है। इसके बाद हमने मॉनिटर वाली तार को निकाल कर इसमें लगाना है। लगाने का प्रोसीजर दोनों का एक है। उसके बाद आपके कंप्यूटर फिर भी ऑन नहीं होता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पावर सप्लाई होती है, ये पावर सप्लाई है, ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसी होती है। तो आपने क्या करना है कि पावर सप्लाई को, अगर आपके पास कोई और पावर सप्लाई पड़ी है या नहीं पड़ी है तो आप इसको मार्केट से ला सकते हैं। और तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये पावर सप्लाई मार्केट से परचेज़ करनी है, उसके बाद आपने कंप्यूटर में लगा कर देखना है। अगर कंप्यूटर में लगाने के बाद फिर भी डिस्प्ले नहीं आता है तो इसका अर्थ है कि आपके मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रैम, अगर आपका पावर सप्लाई लगाने के बाद भी कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि आपका जो मदरबोर्ड है वो डेड हो गया, तो उसको आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्या करना कि जो उसकी रैम है उसकी रैम को निकाल कर दूसरे स्लॉट में लगाना है। रैम का स्लॉट कहाँ होता है आप ये देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रैम लगी हुई है, ये जो है ये रैम का स्लॉट है जो इसको इधर लगाना है, ये जो सेकंड है। उसके बाद अगर आपका फिर भी डिस्प्ले नहीं आता है तो इसका अर्थ है कि आपकी रैम ख़राब है। तो आप रैम पड़ी है आपके पास, जैसी ये अगर आपके पास रैम पड़ी है तो आप रैम को लगा कर चेक कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी डिस्प्ले नहीं आता है तो इसका अर्थ है कि आपका जो मदरबोर्ड है डेड है, उसको आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई प्रोसेसर पड़ा है तो आप उसको प्रोसेसर को भी ठीक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, इस फैन को निकालना है, इसके नीचे प्रोसेसर होता है, सीपीयू प्रोसेसर इंटेल का होता है या एएमडी का होता है। तो आपने क्या करना है कि उसको निकाल कर जिसमें लगा निकालना है और उसको लगाना है। अगर प्रोसेसर लगाने से ठीक हो जाता है तो इसका अर्थ था कि आपका प्रोसेसर ख़राब था, और अगर नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि आपने प्रोसेसर को कैसे चेक करते हैं कि आपका जो प्रोसेसर ठीक है ख़राब है। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, प्रोसेसर को हम जब भी चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो गर्म होता है या नहीं होता है। अगर प्रोसेसर आपका गर्म नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि आपका प्रोसेसर ख़राब है या उसको मदरबोर्ड वो नहीं दे रहा है या उसकी सीपीयू सॉकेट ख़राब हो रही है। नंबर दो, अगर प्रोसेसर आपका गर्म हो जाता है तो इसका अर्थ है कि प्रोसेसर जो आपका ठीक है। उसके बाद दोस्तों,
हम रैम को चेक करते हैं, पावर सप्लाई को चेक करते हैं, तो ये जो मैंने बताया है इसमें क्या सबसे हमने जो भी मदरबोर्ड में हम ट्रबल शूटिंग करते हैं यही सब कुछ होती है। अगर आप कार्ड लेवल के इंजीनियर हैं तो आप कार्ड लेवल के इसका ये चेक कर सकते हैं, चिप लेवल के तो आप इसकी चिप चेक कर सकते हो कि कौन सी चिप काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि अगर हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता है तो उसको हम कैसे चेक करें कि हमारा कंप्यूटर ठीक हो जाए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।